हम नए घर देखेंगे। मैं सो रही थी और किसी ने मेरा सिर खा लिया। बताओ ये किसने किया? क्या ये तुमने किया? नहीं, तुमने किया होगा। सच सच बताओ ये किसने किया? मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जिसने भी किया है मैं उसका पता जरूर लगा लूँगा। तुम इसके बारे में जल्दी पता करो। हाँ जरूर, मैं उसका पता लगाता हूँ। जिसने भी ये किया है अभी आई। मेरी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। पता नहीं मुझे क्यों इतना अजीब सा लग रहा है। मिसेस नोहारा, हम आ गए। ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? टेस्टी खाने बनाना होगा। तभी मुझे कुछ अलग सी फीलिंग हो रही थी। मैं दरवाजा खोलूं? मम, चुप कर जाओ, उन तक हमारी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। हमें कुछ सोचना होगा, समझे तुम? तो मम, इसका मतलब हम घर पर नहीं है क्या? हाँ शिनचैन, तुम बिल्कुल सही समझे। तो तुम मेरा साथ दोगे ना बेटा? मिसेस नोहारा, क्या आप घर पर हैं? मुझे लगता है वो घर पर नहीं है। महीने के आखिर में तो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ओह अच्छा, तो आप यहाँ हैं। हेलो, कैसी हैं आप मिसेस नोहारा? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो दरअसल हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें भूख लगी है। चाहिए ना? अच्छा तो तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, तो क्या करें? मुझे लगता है इन्हें चौको चिप्स खाने का मन है मॉम। लेकिन चौको चिप्स भी नहीं है। एक मिनट रुकिए, शहर में खाने के लिए नया रेस्टोरेंट खुला है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस जगह डिनर पे चलें। हाँ, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए। और आप प्रॉपर्टीज और ज्वेलरी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं मिसेस नोहारा। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। मैं एक्शन प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से कासुयो हूँ और मैं आज आप लोगों को बहुत खूबसूरत घर दिखाऊंगी। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन। एक खूबसूरत घर के किचन में टेस्टी खाना होता है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते शिनचैन? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। मिसेस नोहारा, आप उस आदमी को ऐसे क्यों देख रही थी? बहुत बुरा लगता है। अरे वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, तो चेक करना जरूरी है ना कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। बोलो बोलो, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओफ, क्या करूँ, इन्हें तो किसी बात की कोई समझ ही नहीं है। इस घर में आपका स्वागत है। अरे शिनचैन, रुको, भागो नहीं। ये जगह अच्छी है, ये कमरा भी ठीक है। जरा यहाँ देखूं क्या है। अरे रुको शिनचैन, हमें भी तो देखने दो। वाओ, बड़ा शानदार है। मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ये घर पसंद आया? खूबसूरत घर दिखाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है। हाँ, यहाँ तो हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सामान रखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जगह कम तो नहीं है। एक जगह पर बहुत सारी चीजें होती हैं तो। हाँ, जगह जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। मीची सब संभाल लेगी, वो इन चीजों में बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों नहीं हो, अभी भी तो घर अच्छे से संभाल रही हो। दोनों भी ना, चलो चलो अब चलकर किचन और बाकी जगह भी देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार है। जब मौसम साफ होता है तो आप यहाँ से दूर तक का नजारा देख सकते हैं। ये कासुकाबे का सबसे ऊंचा अपार्टमेंट है। क्या मैं इस बालकनी में रोज आ सकता हूँ? जरूर आ सकती हो अगर हमने इसका किराया दिया। फिर तो मजा आएगा। वो सब तो बात की बातें हैं। मुझे लगता है यहाँ किराया काफी है जो दे पाना मुश्किल है। क्या हुआ, हम उस घर से बाहर क्यों निकल गई? मुझे वो घर काफी अच्छा लगा। हाँ, लेकिन क्या आप लोग उसका किराया दे पाओगे? इसीलिए तो हम आपको साथ लाए थे, आप हर चीज में डिस्काउंट ले लेती हैं। हाँ? आपको उनसे डिस्काउंट की बात करनी चाहिए थी, वरना आपके होने का फायदा ही क्या। हाँ, डिस्काउंट की बात मैं क्यों करूँ? आपको उस घर में रहना है तो आप बात करिए ना। चलो चलो शिनचैन, बहुत देर हो गई है। वक्त तो आगे की तरफ होती है ना, हम पीछे की तरफ क्यों जा रही है? अब मैं आपको ये घर दिखाने वाली हूँ। आपके बजट के हिसाब से ये घर बिल्कुल ठीक रहेगा, उम्मीद है आपको पसंद आए। ये इस घर का सबसे हवादार कमरा है। ये तो बहुत ज्यादा पुराना दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मिसेस नोहारा के घर जैसा। अरे नहीं नहीं, हमारा घर बिल्कुल नया जैसा है। अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ पर? अरे आप वापस आ गई? अरे मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकी ना, इसलिए। मिसेस नोहारा, इस जगह के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखने में थोड़ी सी पुरानी लग रही है।
लेकिन अगर हम दीवारें रंग दें और दरवाजे बदल दें और पर्दे लगा दें तो ये सुंदर दिखेगा। ओह, यहाँ का बाथरूम तो बहुत ही छोटा है। अरे नहीं! हाँ, क्या हुआ? वह क्या है? मीची, मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए। इस घर में कुछ तो जरूर है और मैं ये जानना चाहती हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा घर दिखाती हूँ। पर मुझे ये वाला घर भी काफी पसंद आया। लेकिन मीची, हमें बाकी जगह देखकर ही अपना फैसला लेना चाहिए। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो योशिरेन। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं हूँ। मीची, मेरा नाम शिनचैन। मेरा नाम शिनचैन। मेरा नाम शिनचैन। तुम चुप नहीं रह सकते? अब आप ये वाला घर देखिए। अरे, ये तो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, वहाँ जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और अगर भागेंगे तो कितने मिनट लगेंगे? मैं भागकर कभी गई नहीं। अरे, ये अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है। काफी साफ सफाई है यहाँ पर, तो मुझे तो पसंद आया है। अरे, यहाँ तो मॉनिटर के साथ इंटरकॉम है। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। अरे, ये तो बेडरूम है। हाँ, इस कमरे में मैं और हैरी रहेंगे। ये तो मेरा कमरा है कि है ना? हाँ, मैं अपनी डेस्क यहाँ रखूंगी। मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं कुछ ठीक से रख सकूं। यहाँ तो काफी स्पेस है। हम आपके लिए घर नहीं देख रहे हैं, मिसेस नोहारा। अरे हाँ, हमें भूख लगी है। हाँ, वाकई बहुत टेस्टी है। भूख भी बहुत लगी हुई थी। नया घर ढूंढना वाकई बहुत मजेदार रहा ना। मुझे तो सच में मजा आया। तो फिर आप लोगों को कौन सा घर पसंद आया? हमें कोई घर पसंद नहीं आया। क्या, कोई घर पसंद नहीं आया तुम्हें? अगर आपको और नए घर देखने जाना है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हमने घर बदलने का फैसला इसलिए टाल दिया क्योंकि हम आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहते। और हमें वहाँ टेस्टी खाना भी नहीं मिलेगा। आपने कुछ तो फैसला किया होगा। अगर हम आप लोगों से दूर चले गए तो हमें आपकी बहुत याद आएगी और यहाँ रोज आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये लोग क्या कह रहे हैं? चलो चलो, अभी वापस जाओ। हाँ, बस खाना खत्म कर ले उसके बाद। आप लोगों को घर नहीं खरीदना था। चाहे कुछ भी हो, आज का दिन बहुत ही मजेदार था। सच में।